सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्री में VPS को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको VPS मिलेगी वो होगी लिनक्स की, Ubuntu की, जो आप चाहे वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो भी 2 महीने के लिए गाइस। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र को, तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसी लिंक को आपको फॉलो करना है। अगर आप उस लिंक से नहीं जाएंगे तो आपको $100 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो अगर आप लिंक को फॉलो करेंगे तो ही आपको $100 का क्रेडिट मिलेगा, वरना आपको मैनुअली अपने पेमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो आप चाहते हो $100 का क्रेडिट तो इस लिंक को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर साइन अप आपको करना पड़ेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह। तो आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, गिटहब से भी कर सकते हो और ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, जिससे सिर्फ आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आपके अकाउंट में $100 का क्रेडिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो वो जो $100 का क्रेडिट है वो आपको 2 महीने के लिए मिलेगा गाइस। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप VPS को क्रिएट करोगे। तो आपके अकाउंट में 2 महीने के लिए $100 का क्रेडिट मिल जाएगा, तो उस $100 को आप एज अ VPS के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वेब होस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, 2 महीने आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हो। तो चलिए क्रिएट करते हैं VPS। तो क्रिएट पे क्लिक करके ड्रॉपलेट पे क्लिक कर देना है, तो हम ड्रॉपलेट की मदद से VPS को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो लेटेस्ट वाला Ubuntu ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये Ubuntu काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी तेज़ है और काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप प्लान देखें तो $5 का प्लान्स, यहाँ पर जो भी प्लान्स आप देख रहे हो वो मंथली प्लान्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास $100 है, आप जो चाहे वो प्लान यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर कुछ लॉक प्लान भी होंगे, तो आप उस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो डिजिटल ओशन की जो टीम है वो आपको वेरीफाई कर देगी और आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव करके आपके लिए वो अवेलेबल करवा देगी प्लान, ठीक है। तो आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली $5 का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा क्रेडिट जो है वो ख़त्म कर चुका हूँ। तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर कैसे क्या किया जाता है, उसके लिए मैं यहाँ पर $5 का प्लान को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजन दिखेगा, तो आपके कंट्री के हिसाब से जो नज़दीक का आपका रीजन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंगापुर सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए SSH की और पासवर्ड पूछेगा, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखिए मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, नीचे के क्रेडेंशियल को ध्यान रखते हुए। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो जो आपको फ्री दिख रहा है, जिसके सामने फ्री लिखा हुआ है, आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने उसे बकेट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो फ्री थी वो सारी चीज़ें ले ली हैं, और जो पेड है उसे आपको टच नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे होस्ट नेम, तो यहाँ पर होस्ट नेम को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरे चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, महेश टेक्निकल्स, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए गाइस, और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारी सेटअप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इतना होने के बाद आपको डिप्लॉय कर देना है। तो चलिए हम आप यहाँ पर हमारे ड्रॉपलेट को जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिप्लॉय करोगे गाइस, ये आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा यहाँ पर वर्चुअल मशीन को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है जब तक आपकी वर्चुअल मशीन सेटअप नहीं हो जाती। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्चुअल मशीन को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे एक्सेस कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वर्चुअल मशीन रेडी हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दूँ, देखिए ग्रीन में आपको दिख रहा है महेश टेक्निकल्स वर्चुअल मशीन। यहाँ पर आपको एक IP एड्रेस भी दिख रही है, देखिए। तो इस IP एड्रेस को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब हम इस वर्चुअल मशीन को अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है Juice SSH। तो इस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है मैनेज कनेक्शंस में, तो हम चलते हैं यहाँ पर मैनेज कनेक्शंस में। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे प्लस आइकन दिखेगा, सिंपल प्लस पे क्लिक कीजिए। नाम यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं DG लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस में आपको आपके IP एड्रेस को पेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नीचे आप देखेंगे आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है आपको। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेम में फिर से यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, मैं डीजी ही लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आपको देखिए यूजर नेम मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको लिखना है रूट, वो भी स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड पे क्लिक करना है और आपने जो वहाँ पर पासवर्ड सेट किया था वही पासवर्ड यहाँ पर सेट करके ओके कर दीजिए। फिर ऊपर यहाँ पर एक बार ओके करना है, फिर से आपको ऊपर एक बार ओके करना है। यहाँ पर देखिए कनेक्शंस और आइडेंटिटी टैब में दोनों में आपको डीजी डीजी बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको कनेक्शंस वाले डीजी पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे आप कनेक्ट हो जाओगे अपने वर्चुअल मशीन से। देख सकते हैं आपका जो वर्चुअल मशीन है आप यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसे एज अ टर्मिनल यूज़ कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो जी यू आई इंटरफेस इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वी एन सी के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा अपडेट वगैरह अपग्रेड वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एपीटी अपडेट कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर एपीटी अपग्रेड कर दूंगा जिससे पैकेजेस अपग्रेड हो जाएंगे। तो गाइज ये जो वर्चुअल मशीन है काफ़ी फास्ट है, तो इसका मैं आपको स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ कि कितने। यहाँ पर देखिए हमने जो प्लान यूज़ किया है वो $5 का प्लान है, तो उस हिसाब से हमें कितनी स्पीड देखने को मिल रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इंटरनेट स्पीड की। और ध्यान रखिए जो भी आप यहाँ पर स्पीड देख रहे हैं वो इस VPS की स्पीड है गाइस, ना कि आपके इंटरनेट की स्पीड है। तो जो भी आप यहाँ पर जो भी डाउनलोड करेंगे वो आपके VPS के इंटरनेट कनेक्शन से डाउनलोड होगा, ना कि आपके मोबाइल कनेक्शन से डाउनलोड होगा। आपका मोबाइल कनेक्शन सिर्फ जो है कनेक्शन बनाने के लिए काम करता है। अब यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट की यहाँ पर देखिए एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, आप स्क्रीन पर देख के इंस्टॉल कर लेना, उस कमांड नीचे भी दे दूंगा मैं। उसके बाद हम चलिए यहाँ पर स्पीड टेस्ट करते हैं, तो चेक करते हैं कि हमें डाउनलोड और अपलोड स्पीड कितना मिल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्पीड टेस्ट और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब स्पीड टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है, थोड़ा सा वेट करते हैं, हमें जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ओके तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये $5 का प्लान है गाइस। तो यहाँ पर देखिए स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और हमें जो है वो काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पर देखने को मिली है। रुकिए वेट करते हैं। ओके यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं और आपको देखिए डाउनलोड स्पीड में यहाँ पर 350 MBPS के ऊपर की स्पीड मिल रही है और अपलोड स्पीड में भी आपको करीबन 200 MBPS की स्पीड मिल रही है, और ये काफ़ी अच्छी है गाइस। $5 के प्लान में अगर आपको इतना मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और डिजिटल ओशन की जो VPS है वो काफ़ी तेज़ है, ये मैंने पर्सनली टेस्ट भी किया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इससे भी हायर वाले प्लान्स वाले जो VPS है उन्हें ट्राई करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप अपनी स्टोरेज को भी चेक कर सकते हो, 25 GB के यहाँ पर जैसा उन्होंने बताया था उनके प्लान में वैसे ही आपको उतना स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको 21-22 GB तक यहाँ पर फ्री मिलता है क्योंकि बाकी सिस्टम का होता है गाइज। ओके तो इस तरीके से गाइज आप जो है इस VPS को यूज़ कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। आप यहाँ पर वेबसाइट वगैरह को भी होस्ट कर सकते हो, आने वाले वीडियोस में वो भी मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस को कैसे होस्ट किया जाता है, और या फिर कोई भी वेबसाइट को आप कैसे होस्ट कर सकते हो आने वाली वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो चलिए अब इस ड्रॉपलेट को डिलीट करना सिखाता हूँ, अगर आपका काम हो जाए तो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रॉय पे क्लिक कीजिए और आप जाकर अपने VPS को डिलीट कर सकते हो। ठीक है तो आपका जो क्रेडिट से वो कम खत्म होंगे। ओके तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रॉय द ड्रॉपलेट, तो आपको क्लिक करना है, कंफर्म पूछेगा तो कंफर्म कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो ड्रॉपलेट है वो कुछ ही सेकंड्स में डिलीट हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी सर्विस है, अगर आपका काम करके हो जाए तो डिलीट कर दीजिए, अगर आप और काम करना चाहते हैं तो उसे पावर ऑफ कर दीजिए जिससे आपके क्रेडिट जो है वो बचेंगे। तो क्रेडिट्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर फॉलो करके अकाउंट बनाओगे, तभी आपको क्रेडिट्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे गाइस। ओके तो अगर आप चाहते हो क्रेडिट्स लेना तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है और अकाउंट क्रिएट करके क्रेडिट्स लेने होंगे। ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है महेश टेक्निकल्स। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।